हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। 2 महीने हो गए कि मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। कुछ शॉर्ट्स में डालती रहती थी, बट वीडियो बहुत कम आए हैं, क्योंकि मेरी बेटी के 10th के एग्ज़ाम की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर अभी फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, और अब यहाँ से मैं ट्राई करूँगी कि बहुत सारे वीडियो आपके लिए आ जाए। आणि आता एग्ज़ाम तर खत्म झालेलीच आहे, तो एग्ज़ाम के बाद हम जा रहे हैं घूमने। तो हम ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो कल मॉर्निंग को 5 बजे हमें यहाँ से निकलने वाले हैं। तो हम कहाँ जाने वाले हैं ये आपको देखने के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, और फिर आपको पूरा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो कनेक्ट रहो मेरे साथ, तो आपको मेरे आने वाले वीडियो जो व्लॉग में बनाऊंगी वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आप मैप पे देख सकते हैं, हम पुणे से तारकर्ली बीच पे जा रहे हैं। तो तारकर्ली बीच के लिए जाने के लिए हमें पहले कराड़, सातारा, कोल्हापुर ऐसे हम जाएंगे। तो इसके लिए 9 घंटे यहाँ पे मैप पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम मॉर्निंग में 5 बजे ही निकल चुके थे, तो पूरा हमें जहाँ पे सनराइज़ हुआ वहाँ पे हमने खड़े होके कुछ सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ ले ली थी। तो रोड पे ही हमने गाड़ी साइड में पार्क करके कुछ सेल्फीज़ निकाली। फिर हम तो पीछे बैठ के ही कार में ही हम वीडियोस, मेरा चालू ही था बनाने का। फिर ऐसे ही हम 8-9 बजे तक ड्राइव, ऑन द ड्राइव पे ही थे। फिर एक 9 बजे के या 9:30 बजे के टाइम पे हमने गूगल पे ही होटल सर्च किया, और नाश्ते के लिए हम कोल्हापुर के आगे हम रुके, क्योंकि 8:30-9 बजे तक हम कोल्हापुर क्रॉस कर चुके थे। और फिर वहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद हम वहाँ से भी 1 घंटे में ही 10-10:30 बजे वहाँ से निकले होंगे हम। तो यहाँ से नाश्ता करने के बाद फिर कार मैं ड्राइव कर रही थी। तो कोल्हापुर से जो आगे वाला रास्ता था वो गगनबावड़ा का घाट क्रॉस करके जाने वाला था, तो वहीं से हम लोग क्रॉस करके जाने वाले थे। तो गगनबावड़ा के यहाँ पे हमने कुछ रुक के वीडियोस और फोटोज़ निकाले थे। हम ट्रैवल कर रहे थे, ये टाइम तो समर का था, पर आप अगर मानसून के टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बारिश की वजह से वहाँ पे हर तरफ आपको झरने दिखेंगे, और बहुत ही अलग नेचर का जो मज़ा आता है वो बहुत अलग फील हो जाता है। हमने बहुत बार बारिश के टाइम पे यहाँ से सफ़र किया है, पर इस बार हम समर के टाइम पे जा रहे थे। तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे गगनबावड़ा का जो नज़ारा दिखता है तो कुछ इस तरह का है। मैंने बहुत बार यहाँ से जाते टाइम मैंने फ़ोटो निकाले हुए, कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से ये वाला जो टर्न है, ये टर्न बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे रुक कर आप फ़ोटो भी निकाल सकते हैं। तो हम ट्रैवल कर रहे थे, तो हमारे साथ और 3 कार्स थी, तो हम एक दूसरे के पीछे ऐसे ही 4 कार्स हम ट्रैवल कर रहे थे। गगनबावड़ा का घाट उतरने के बाद कोकण जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो वहाँ के हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद हम लोग 2-3 बजे के शायद हम लंच के लिए रुक गए, और वहाँ पे लंच करने के बाद हमारे होटल के लिए निकल पड़े। तो लंच के बाद हमारा ट्रैवलिंग शायद 1.5-2 घंटे का बचा था। तो फिर उसके बाद हम होटल पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद, क्योंकि लगभग 5:30-6 बज रहे थे, तो इसीलिए हम तुरंत फ्रेश होके हम बीच पे गए, क्योंकि सनसेट होने वाला था तो हमें ये सनसेट मिस नहीं करना था। तो फटाक से हमने
चेंज करके फ्रेश होके हम सनसेट के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन का रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ही रिफ्लेक्शन पूरे समंदर में दिख रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ने आने के बाद तुरंत ही खेलने के लिए स्टार्ट किया था, उनको तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये जो हमने होटल सेलेक्ट किया था वो पूरा बीच पे ही था, मतलब आपके रूम से लगभग 2 मिनट में ही आप बीच पे जा सकते हो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। आपके होटल से आपको समंदर दिखेगा, इतना पास में था। तो बच्चों के लिए बहुत इजी था कि उनको खेलने के लिए तुरंत वो आ सकते थे। बस ध्यान देना पड़ता है ऐसे होटल हम चूज़ करते हैं तो, कि बच्चों को कि बाबा वो एकदम से चले जाते हैं तो वो देखना पड़ता है बस, पर बहुत अच्छा लगता है ऐसे बीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन जो है वो लगभग अभी जाने ही वाला है और उसका रिफ्लेक्शन पीछे पीछे भी आप देख सकते हो कि कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। यहाँ के बीच पे क्रैब बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे क्रैब यहाँ पे दिख रहे थे बच्चों को। बच्चे तो क्रैब को अंदर से निकाल के पानी में छोड़ रहे थे, बिल्कुल बिना डरे हुए बच्चे क्रैब को निकाल रहे थे। अगर आप ऐसे खड़े भी हो जाते तो नीचे से क्रैब निकल आते थे, इतने सारे क्रैब हैं। पर कभी कभी वो पैर को पकड़ भी लेते थे। समंदर में खड़े रहने के बाद जो लहरें जाने के बाद जो पैर के नीचे जो रेत होती है वो फिसलती हुई जाती है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। समंदर के किनारे जाकर दूर दूर तक पानी का नज़ारा देखना आँखों और दिल को बड़ा सुकून देता है। दिलो दिमाग में कई विचार लहरों की तरह उठते हैं और दिल को छूकर वापस चले जाते हैं। शाम के टाइम में समुंदर के किनारे बैठना बड़ा ही अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है। पता नहीं इस समंदर के किनारे में ऐसा क्या है जो सबके चेहरे पर खुशी बिखर देता है और दिल में सुकून भर देता है। हम समंदर के किनारे बैठकर ताज़ी हवा भी प्राप्त कर सकते हैं और हम सब जानते हैं कि ताज़ा हवा हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे अब हम रह रहे शहरों में वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए ऐसे नेचर में जाके थोड़े दिन रहना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सन पूरा अंदर चला गया था और पूरा अंधेरा छा रहा था, तो वहीं पे हमने फ़ोटोज़ निकाले थे। तो बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ यहाँ पे आए थे जो बस सन का रिफ्लेक्शन दिख रहा था और इस तरह से ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो हमने फ़ोटो क्लिक की थी ये बहुत ही अच्छी फ़ोटो आई थी। इसके बाद पूरा अंधेरा होने के बाद हम होटल पे आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हो रात के टाइम पे ये होटल का नज़ारा है और होटल के सामने जो है वो बहुत सारे नारियल के पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ एंट्री के यहाँ पे लाइट की हुई थी जो रात में बहुत ही अच्छा लग रहा है। होटल में जाने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद बच्चों ने डांस किया, गाने गाए। इस तरह से हमारे 12 बजे तक पूरी महफिल चालू थी और बच्चे और बड़े सब एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम की वजह से डांस
पे जो म्यूजिक था वो हटा दिया है। तो यहाँ पे फिर से हम मॉर्निंग में सुबह उठ के बीच पे चले गए, क्योंकि रात में हम लेट आए थे तो ज़्यादा टाइम वहाँ पे हम स्पेंड नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से मॉर्निंग में हम फिर से बीच पे चले गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से होटल का पूरा यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि समुंदर भी बहुत ही पास है। बस 2 मिनट में ही यहाँ पे आपको बीच पे आने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने मॉर्निंग का व्यू पूरा लिया, उसके बाद हमने कुछ वीडियोस लिए रील्स बनाने के लिए और शॉर्ट्स बनाने के लिए। तो ये वीडियो मैंने कैसे कन्वर्ट करके शॉर्ट्स में डाल दिए हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कुछ वीडियो हमने स्लो मोशन में लिए और कुछ फास्ट फॉरवर्ड में। बहुत मज़ा आया, पर बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग का व्यू और ये समंदर के किनारे में इस तरह से वीडियो बनाना, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मॉर्निंग में हम तीनों ही पहले आए थे तो बाद में एक एक करके उठकर आ रहे थे, तो इसीलिए पहले हम तीनों के वीडियो थे, फिर बाद में हम सब ने मिलके वीडियो निकाले बहुत सारे। आगे आप ज़रूर देखो, सभी वीडियो यहाँ पे है। और किस तरह से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डालने के लिए, रील्स बनाने के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं वो आप देख सकते हो।
यहाँ पे हम 6 जनों ने मिलके बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत ही मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया था, बहुत सारे फ़ोटो ले लिए, बहुत सारे वीडियो अलग अलग तरीके, सबके अलग अलग तरीके से यहाँ पे वीडियो बनाए गए थे। अगर आप भी बीच पे जाने के बाद इस तरह से वीडियो बना सकते हैं तो पूरे वीडियो आप देखो कि किस तरह से अलग अलग वीडियो हमने यहाँ पे बनाए हैं, तो आप भी बना सकते हैं इस तरह के वीडियो। यहाँ पे ये स्लो मोशन में जो वीडियो बनाया था वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो पानी जो नीचे आ जाता है वो स्लो मोशन में बहुत अच्छा लगता है। ये सब वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दिए हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कितने अलग अलग तरीके से हमने वीडियो बनाए थे बीच पे, अभी वीडियो देखते हुए और एडिटिंग करते टाइम मुझे हंसी आ रही है कि हम लोगों ने कितना उस दिन एंजॉय किया था, सच में बहुत मज़ा आया था। अब यहाँ से हमें नाश्ता करने के लिए जाना था, तो हम यहाँ पे होटल पे फिर से वापस जा रहे थे। नाश्ता करने के बाद, फिर रेडी होने के बाद हमें जाना था मालवण बीच पे, जहाँ पे हम सब राइड करने वाले हैं, और राइड का वीडियो ऑब्वियसली अलग से आएगा, तो आपको वो भी ज़रूर देखना है।
हम रूम पे जाने वाले हैं और रेडी होके हम जा रहे हैं राइड करने के लिए। तो मालवन में पूरे राइड वहाँ पे है, तो वहाँ पे जाके हम पूरे राइड करेंगे और उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। तो इसीलिए अब पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको मेरे बाकी के भी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस होटल के बारे में कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तो आप ज़रूर मेरे साथ बने रहो। बाय।